ये इतने सारे ईयरबड्स हमने अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से बाई किए हैं, वो भी जस्ट 1000 रुपए के अंदर। और ये सारे ही वो पॉपुलर ब्रांड हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं जब भी आप 1000 रुपए के अंदर ईयरबड्स खरीदने जाते हैं। इसलिए हमने इन सभी को खरीद लिया और काफी अच्छे से टेस्ट किया, और उसके बाद हमें ये टॉप 5 बेस्ट ईयरबड्स मिले जो वैल्यू फॉर मनी है 1000 रुपए के अंदर, यानी ये वाले जगह नहीं बना पाए। और इनको भी हमने अलग अलग जरूरतों के हिसाब से सिलेक्ट किया है, जैसे गेमिंग लवर्स के लिए अलग ईयरबड्स है, म्यूजिक लवर्स के लिए अलग है, और एक ओवरऑल बेस्ट ईयरबड्स भी है जिसके अंदर आपको सारे ही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और एक और बात, अगर आपका बजट 1000 रुपए से ऊपर है, यानी 2000 रुपए के आसपास, 3000 रुपए के आसपास, और उसके अंदर अगर आप ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं तो हमने वीडियो बना रखी है जो आपको आई बटन पर ही मिलेंगी। सो फिफ्थ नंबर के ईयरबड्स की बात करते हैं, जो आता है ट्रुक की तरफ से, ट्रुक BTG X1, और इसका जो प्राइस है वो 800 के आसपास है, और इस प्राइस में ये गेमिंग लवर्स के लिए काफी सही है। यहाँ आपको एक चार्जिंग केबल मिलती है, और ये रहा हमारा ईयरबड्स। तो देखो, अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 12 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, यानी इसके अंदर आपको लाउडनेस मिलेगी, बट बेस थोड़ा सा कम मिलता है। और इसका एक रीजन भी है, क्योंकि ये गेमिंग ईयरबड्स हैं और इनको ज्यादातर गेमिंग के लिए ही डिजाइन किया गया है। बाकी इसके अंदर वोकल्स एंड ट्रबल काफी अच्छे खासे मिलते हैं, यानी ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक मिलती है। बात की जाए बिल्ड एंड डिजाइन की, तो इसका जो डिजाइन है खुद मुझे पसंद है, एक यूनिक सा डिजाइन देखने को मिलता है। इनफैक्ट RGB लाइट इसकी और गेमिंग वाइब देती हैं, साथ के साथ बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं मिलती, हिंज में भी और ओवरऑल बॉडी में भी। अब इसके एक और इम्पोर्टेंट फीचर की बात कर लेते हैं, जो है इसका गेमिंग टेस्ट। तो उसके लिए आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको 40 ms की लो लेटेंसी मिलती है, और साथ में क्वाड माइक्स भी मिलते हैं, और हमने इसके अंदर काफी सारे COD के मैच खेले, जिसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि मोबाइल गेमिंग के लिए ये वाला ईयरबड्स काफी सही है जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है। बात की जाए कॉलिंग क्वालिटी की, तो उसका हमने माइक टेस्ट कर रखा है, जो कि कुछ इस तरीके से है, और ये है इसका माइक टेस्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको कैसी कॉलिंग क्वालिटी मिलेगी। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि इसके अंदर आपको कैसी कॉलिंग क्वालिटी मिलती है। अब इसके वीक पॉइंट की बात करते हैं, तो देखो इसका वीक पॉइंट वही है, साउंड क्वालिटी में बेस की कमी, इसके अलावा कोई नहीं है, बट इसके बेस्ट फीचर जरूर है। जैसे इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी मिलती है, IPX4 की रेटिंग मिलती है, 40 आवर्स की बैटरी मिलती है, साथ में डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलता है, और 1 साल की वारंटी मिलती है। तो गेमिंग लवर्स के लिए काफी सही ईयरबड्स है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है जहां से आप इसे बाय कर सकते हो डिस्काउंट के साथ। ओके, फोर्थ नंबर के ईयरबड्स की बात करते हैं, जो आता है नॉइस की ओर से, नॉइस बड्स VS01। और इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में नंबर 1 पे ही रखा था, बट अभी कुछ नए ईयरबड्स आ चुके हैं जिन्होंने इसकी जगह ले ली। तो ये रहे हमारे ईयरबड्स, इसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और कुछ स्टिकर्स भी मिलेंगे, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और चार्जिंग केबल आपको इसके अंदर मिलेगी। जल्दी से इन्हें साइड में करते हैं और बात करते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन की। तो देखो, बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूं तो ये प्राइस को जस्टिफाई करता है, यानी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन काफी कमाल के मिलते हैं। कमी है तो इसके ईयर टिप्स में, यहाँ मुझे लगता है जो ईयर टिप्स का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, और जिसकी वजह से आपको कंफर्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, यानी आपको बेस अच्छा खासा मिलेगा, बट हाई वॉल्यूम पर जाने पर इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसके अंदर आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी देखने को मिलता है। बाकी मिड्स वॉल्यूम पर आपको ट्रबल एंड वोकल्स क्लियर मिल जाती है। बात की जाए कॉलिंग क्वालिटी की, तो इसका हमने कॉलिंग टेस्ट कर रखा है, जो आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा, जहां से आप चेक कर पाओगे या फिर आइडिया लगा पाओगे इसके अंदर आपको कैसी कॉलिंग क्वालिटी मिलेगी। बैटरी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 50 आवर्स की बैटरी मिलती है, और साथ में फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, यानी अगर आप इसे 10 मिनट के लिए चार्ज करते हो तो ये आपको 200 मिनट का प्ले टाइम प्रोवाइड करा देता है। वीक पॉइंट की बात की जाए तो इसके ईयर टिप्स का साइज और जो हाई वॉल्यूम पर आपको साउंड क्वालिटी में डिस्टरबेंस मिलती है वही है, बट बेस्ट फीचर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको काफी सारे बेस्ट फीचर मिलते हैं, जैसे ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी, 50 ms की लो लेटेंसी, यानी इसके साथ आप मोबाइल गेमिंग आराम से कर पाओगे, साथ में आपको IPX5 की रेटिंग, क्वाड माइक्स और 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। So, इसको बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां से आप इसे चेक कर सकते हो या फिर बाय भी कर सकते हो। ओके, थर्ड नंबर के ईयरबड्स की बात करते हैं, जो आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी बड्स एक्टिव 4। और ये TWS उनके लिए सजेस्ट करना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक ईयरबड्स को लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना चाहते हैं अपने लेक्चर्स के लिए या फिर मूवीज देखने के लिए, साथ ही साथ जिन्हें हैवी बेस पसंद नहीं, जिन्हें डिसेंट सी साउंड क्वालिटी पसंद है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं।
तो ये रहा हमारा ईयरबड्स और इसको साइड में करते हैं। बिल्ड एंड डिजाइन में देखो आपको कहीं कमी नहीं मिलने वाली, काफी कमाल की फिनिशिंग मिल जाती है आपको मैट, साथ में ग्लोसी फिनिश भी मिलता है। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट के साथ आता है, यानी अपने मोबाइल चार्जर से ही चार्ज कर पाओगे। और यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है। अभी इसका प्राइस 1200 रुपए के आसपास है, बट हो सकता है सेल में कुछ दिन के बाद ही आपको 1000 रुपए के आसपास मिल जाए, तो देख लेना। बात की जाए साउंड क्वालिटी की, तो देखो इसके अंदर आपको 12 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, और उसके बावजूद भी इसके अंदर जो बेस एंड लाउडनेस मिलती है वो काफी सही मैनेज मिलती है। इनफैक्ट ट्रबल को भी काफी सही से मैनेज किया गया है और वोकल्स काफी क्लियर सुनाई देती है, यानी आपको हैवी बेस कहीं नहीं मिलता, आपके कानों में धम धम नहीं होने वाली है, काफी डिसेंट सी साउंड क्वालिटी ये प्रोवाइड करा देते हैं। बैटरी लाइफ में आपको बता दूं, इसके अंदर आपको 30 आवर्स की बैटरी मिल जाती है, हल्की फुल्की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, और वीक पॉइंट मुझे इसका कोई खास नहीं लगा। बेस्ट फीचर जरूर है जो कुछ इस तरह से हैं, जैसे ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिलती है, IPX4 की रेटिंग मिलती है, 60 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है, यानी इसके साथ भी आप हल्की फुल्की मोबाइल गेमिंग कर पाओगे। साथ में आपको गूगल फास्ट पेयर मिलता है और 1 साल की वारंटी मिलती है। इसका भी कूलिंग टेस्ट हमने वीडियो के लास्ट में किया है, जहां से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको कैसी कूलिंग क्वालिटी मिलेगी। बाकी इसे भी बाय कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ओके, सेकंड नंबर के ईयरबड्स की बात करते हैं, जो आता है बोट की तरफ से, बोट एडोब्स 200 प्लस, और इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में नंबर 1 पे सजेस्ट किया था साउंड क्वालिटी के मामले में, बट अभी नंबर 1 पर कोई और आ चुका है। इसके अंदर आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, साथ में वारंटी कार्ड भी। और ये रहा हमारा ईयरबड्स, चार्जिंग केबल एंड एक्स्ट्रा ईयर टिप्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, और इसके नीचे और भी कार्ड्स हैं, इनफैक्ट एक स्टिकर भी है। ये रहा, तो इन्हें साइड में करते हैं और इसके बिल्ड एंड डिजाइन की बात करते हैं। तो देखो डिजाइन वाइज काफी सही है, बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी सी कमी है, और यही इसका वीक पॉइंट भी है। इनफैक्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि इसके जो हिंज की क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम है, यानी इसे और बेहतर बनाया जा सकता था। बात की जाए साउंड क्वालिटी की, तो देखो यहाँ इस लिस्ट के सबसे बड़े ड्राइवर्स मिलते हैं, वो है 13 mm के ड्राइवर्स, जो इसको ऐसी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करा देते हैं जो आपको 1500 के ईयरबड्स में भी मिलने मुश्किल है। यानी अगर आप हैवी बेस चाहते हैं, लाउडनेस काफी अच्छी खासी चाहते हैं, साथ में ट्रैवल को अच्छे से मैनेज चाहते हैं, वोकल्स भी क्लियर चाहते हैं, यानी ऐसी साउंड क्वालिटी चाहते हैं जो आपको एक असली म्यूजिक की फील दे, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। कूलिंग टेस्ट इसका भी हमने वीडियो के लास्ट में ही किया है, जहां से आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी बैटरी की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर और ज्यादा डिफरेंस है, यानी इस लिस्ट की सबसे बड़ी बैटरी भी आपको इसी के अंदर मिलती है। कंपनी का कहना है कि अगर आप इस ईयरबड्स को 50% वॉल्यूम पर सुनते हैं तो ये आपको 100 आवर्स की बैटरी प्रोवाइड करा देता है, जो कि काफी कमाल की बात है। यानी अगर आप इसे एक बार चार्ज करते हैं तो 1 हफ्ते तक लगातार यूज कर पाओगे। वहीं वीक पॉइंट की बात की जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी ही है। बेस्ट फीचर की बात की जाए तो काफी सारे हैं, जैसे ब्लूटूथ 5.3 की एक्टिविटी मिलती है, IPX5 की रेटिंग मिलती है, 50 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है, यानी इसके साथ भी आप मोबाइल गेमिंग कर पाओगे, साथ में फास्ट चार्जिंग मिलती है, और 1 साल की आपको वारंटी मिलती है। तो इसको बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसे बाय कर पाओगे। सो नंबर 1 के ईयरबड्स की बात करते हैं, जो आता है ट्रिगर की तरफ से, ट्रिगर अपेक्स 2। और देखो ये एक न्यूली लॉन्च ब्रांड है, और इसका ये पहला ईयरबड्स है जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूं। इनफैक्ट जब मैंने इसे टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि ये काफी सही काम कर रहे हैं। इसके अंदर भी आपको एक ईयरबड्स मिल जाता है, साथ में एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसके पीछे की साइड आपको ऑफर बताया गया है, और यहाँ पर QR कोड स्कैन करने पर आपका यूजर मैनुअल ओपन हो जाएगा आपके मोबाइल में, यानी ये एनवायरमेंट के लिए सही कदम है। इसके साथ भी आपको एक छोटी सी डिब्बी मिलती है, जिसमें आपको एक चार्जिंग केबल मिलेगी और कुछ एक्स्ट्रा ये टिप्स मिलेंगे। इन्हें साइड में करते हैं और बात करते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन की। तो देखो अगर मैं इस लिस्ट के किसी भी ईयरबड से इसकी बिल्ड क्वालिटी को कंपेयर करूं तो कहीं भी कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बेस्ट है। इनफैक्ट ये आपको रबर फिनिश के अंदर मिलता है, थोड़ा सा सॉफ्ट टच जैसा लगता है, वैसे है नहीं, बाकी काफी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करा देता है। अब इतनी ज्यादा तारीफ हो गई है तो इसकी कमी भी बता देता हूं। इसके जो ईयर टिप्स हैं, इनके पीछे साइड आपको एक लाइट इंडिकेटर मिलता है जो थोड़ा सा चीप बना देता है इसको। बाकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में कहीं कोई कमी नहीं मिलती। बात की जाए इसकी साउंड क्वालिटी की, तो देखो हमने इसके ड्राइवर साइज के बारे में हर जगह जानने की कोशिश की, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी और जहां से इसे बाय किया था Amazon पर भी, बट दोनों ही जगह पर इसके ड्राइवर साइज के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसलिए हमने इसके दूसरे ईयरबड्स को चेक किया तो वहां पता लगा कि इनके अंदर आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, तो हो सकता है इसके अंदर भी आपको 10 mm के ड्राइवर्स
स्पीकर्स मिलते हो। बाकी इसके अंदर जो आपको साउंड क्वालिटी मिलती है वो काफी ज्यादा बेस्ट मिलती है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो का भी फीचर मिलता है, यानी जो इसकी साउंड क्वालिटी को और बेहतर बना देता है। बात करूं कॉलिंग की तो इसका भी हमने कॉलिंग टेस्ट वीडियो के लास्ट में ही किया है जो कि आने ही वाला है, तो इसका भी आपको पता चल जाएगा। बाकी बैटरी में आपको 60 आवर की बैटरी मिलती है और साथ में फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, यानी 5 मिनट चार्ज करने पर ही आपको 3 घंटे का प्ले टाइम प्रोवाइड करा देता है। वीक पॉइंट में मुझे कोई खास नहीं लगा, बट बेस्ट फीचर बहुत सारे हैं, जैसे ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिलती है, 50 मिली सेकंड की लो लेटेंसी मिलती है, 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो मिलती है, साथ में IPX4 की रेटिंग मिलती है, साथ में इसके अंदर आपको मिलती है ड्यूल कनेक्टिविटी और 1 साल की वारंटी। तो प्राइस 1000 रुपए के आसपास है और इस प्राइस में काफी बेस्ट है, इसकी तरफ भी जा सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ओके, अब इनका कूलिंग टेस्ट कर लेते हैं जो बचा हुआ है। तो सबसे पहले करते हैं बोट एयरडॉप्स 200 प्लस का। सो अभी जो आपको आवाज आ रही है ये है बोट के एयरडॉप्स 200 प्लस का माइक टेस्ट। इससे आपको आइडिया होगा कि आपको कैसी कूलिंग क्वालिटी मिलेगी। ओके, ये वाला माइक टेस्ट है नॉइस के बड्स 401 का। इसके अंदर भी आपको पता लगेगा कि इसके अंदर आपको कैसी कूलिंग क्वालिटी मिलेगी। और ये वाला माइक टेस्ट है रेडमी के बड्स एक्टिव 4 का, जिससे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको कैसी कूलिंग क्वालिटी मिलती है। तो अभी जो आपको आवाज आ रही है ये है एपेक्स H2 का माइक टेस्ट। इससे भी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको कैसी कूलिंग क्वालिटी मिलती है। सो तकरीबन सारे ईयरबड्स की हम बात कर चुके हैं, अब मेरा ओपिनियन क्या है। तो देखो, अगर आप गेमिंग के लिए ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं 1000 के बजट में, तो आपको ट्रू की तरफ जाना चाहिए, काफी सही ईयरबड्स है। और यहीं अगर आप स्टूडेंट हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ईयरबड्स यूज करना चाहते हैं, तो आप रेडमी के इस ईयरबड्स की तरफ जा सकते हैं, जो आपको काफी डिसेंट सी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करा देता है, साथ के साथ प्रीमियम भी है, कंफर्ट तो काफी कमाल का है। और यहीं अगर आप एक ओवरऑल बेस्ट ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं 1000 के बजट में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एपेक्स H2 ईयरबड्स, जिसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफी कमाल की मिलती है, जिसकी वजह से आप इसे लॉन्ग टर्म यूज कर पाओगे, साथ में साउंड क्वालिटी काफी जबरदस्त मिल जाती है, कॉलिंग क्वालिटी हमने इसकी टेस्ट कर दी थी, साथ ही साथ इसे आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, ड्यूल कनेक्टिविटी मिलती है, यानी हर चीज में बेस्ट है, प्राइस जस्ट 1000 है, तो इसको भी बाय कर सकते हो। और सारे ही जो ईयरबड्स है उनके डिस्काउंटिंग लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप इन्हें बाय कर पाओगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, जहां पर हम अच्छी अच्छी डील्स और अच्छे अच्छे ऑफर्स डालते रहते हैं डेली, तो मेक श्योर आप उसे भी ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। और यहीं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। जय हिंद। With each sip from your lips, you're kissing me dizzy. I find